नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि राहुल ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, उन्हें जो करना है वो कर ले। हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है, यह जंग जारी रहेगी। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि अब सत्याग्रह नहीं, अब रण होगा। वहीं राहुल के बयान पर भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है, वह ना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और ना ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। वे भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं, ना उन्हें कानून से रण करने दिया जाएगा और ना ही उन्हें रन करने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।